अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी और मेरा काम का टाइम भी हो चुका है। मैंने ड्रेसिंग वगैरह सब चेंज कर लिए और ये देखिए मेरी बेटी को, इसके बाजू में कोई चाहिए, ये जो जरा कोई भी इसके बाजू में से उठ रहा है ना तो ये रोना स्टार्ट कर दे रही है। दादू की दवा लेके बैठी है, बाप रे बाप। अरे रो, खुद से नाखून मार लिए, इसके नाखून काटे थे फिर भी अपने नाखून हाथ से अपने नाखून नाक पे मार ली बच्ची ने। क्या हो गया? चिकी 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 चिकी। हेलो, बोला अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे अब्बू के प्यारे सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? तुम कुछ बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, गुड मॉर्निंग। क्या बोले वापस? फ्रेंड लोग। हाँ, एक दो कमेंट भी आया था मुझे कि पब्लिक मत बोलो। दरअसल पब्लिक ना, हम लोग जैसे मतलब मुंबई में मालोनी में रहते हैं ना, तो यहाँ पर आम वर्ड है पब्लिक। जैसे कोई भी बहुत सारे मतलब जैसे लोग दिखे, लोग बोलते क्या बोलते पब्लिक, मैं भी कितनी बार बोलता हूँ, तो ऐसा मतलब कुछ बुरा वर्ड नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और चलो ठीक है, पब्लिक नहीं, लेकिन इनके मुँह से मुझे पब्लिक सुनना अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं बोलता हूँ पब्लिक। ये बहुत अलग ही बोलते पब्लिक, बोलते पब्लिक। हाँ, मेरा हम लोग का नाश्ता तो हो चुका है सब। अल्लाह हाफिज। अभी मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, साहिल भाई का इंतजार कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने जाएंगे साइड, तो वो जो आप लोग कल के ब्लॉग में दिखाया था वाली साइड, उधर ही जाएंगे काम करने के लिए, उधर काम कर लेंगे। इसका मुझे इंतजार था, वो पब्लिक आ चुकी है साथ में मेरे। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं ये वाली साइड पे और यहाँ पर कल साहिल भाई ने ऑयल पेंट मार के चले गए थे, तो देख लीजिए आप। और अभी हम लोग को यहाँ पे दीवार मारनी है और ये दीवार का माल तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये फालका मार दिया हूँ और ये हमारे साहिल भाई सीढ़ी साफ कर रहे हैं, सीलिंग भी मार दिया और सीलिंग भी यहाँ गैलरी, क्या बोलते हैं, गल्ली ना, गल्ली की सीढ़ी लग गई है। सीलिंग मैं बोलता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो सीलिंग सीलिंग सॉरी। अरे मेरी जान भी है आज यहाँ पर, क्या बोलते बंटा है भाई, राजा भाई देखो एकदम टॉप में खड़े रह के काम कर रहे। फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आगे चढ़ के, देखिए देखिए यहाँ पे नीचे फुल रोल है क्या? नहीं, अरे एकदम रोल है भाई तुम्हारा। अरे गाइस लोग का तो सलाम नहीं गया, गाइस सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम छोटू भाई, तुमको भी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, दोनों बार मैंने सलाम का जवाब दे दिया। फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट में सलाम का जवाब दे देना हमारे राजा, हमारे एरिया का छोटा जॉनी लेवर को। ओ भाई जॉनी लेवर मत बोला करो, मेरे ऋतिक रोशन या सलमान खान बहुत हीरो है। ओ देखो सलमान खान या ऋतिक रोशन, शाहरुख खान बोला करो इनको जॉनी लेवर मत बोला भाई। मैं कोई ना बोल रहा हूँ, कमेंट में जो पब्लिक बोल रही थी एरिया का जॉनी लेवर, वही बोल रहा। और ये हमारा शाहरुख खान है, कहा गया हेलो शाहरुख खान। तो फ्रेंड्स आप लोग देख, क्या बोला, शाहरुख खान? हाँ तो हैंडसम ही तो है हमारे शाहरुख खान, अभी थोड़ा गली साफ कर रहे सीढ़ी वीढ़ी की। फ्रेंड्स हमारी 5 मिनट की ब्रेक हुआ है और मैंने लेकर आया बाउंस, ये फाड़ दिया मैंने, ये सबसे ज्यादा पसंद है मुझे बाउंस ऑरेंज, और इसके साथ तो पानी तो मजा ही आ जाता है एकदम। क्या बोलते मेरी जान, साहिल साहिल बच्ची बोलो बोलो, क्या बोलो, सलाम तुमने किया ही नहीं किया। अच्छा किया था क्या, बोल गया मैं। राजा भाई बाथरूम का दरवाजा बंद करो यार, बाथरूम नहीं हो मोहरी है, सॉरी। हाँ मोहरी है, मोहरी। तो फ्रेंड्स मैं गया था कुछ पार्सल लेने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे फ्लिपकार्ट से कुछ पार्सल आने वाला है, तो मैं ये लेकर आ गया हूँ अपने घर पे। तो फ्रेंड्स हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से पैकिंग है। वो जाली में पैकिंग आ रहा है, तो देखिए ये है दोनों। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हाँ, मैंने खुद ऑर्डर किया है, तो इस वजह से आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं करता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, मैं आपको एक फाड़ के दिखाता हूँ पिंक वाला। अच्छा, तो देखिए कलर अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट भी है। बच्चे टॉयलेट वगैरह करेंगे ना तो फिर मतलब सूख जाएगा जल्दी और आर पार भी नहीं होगा पूरा। देखो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको रख देते हैं और मैं जा रहा हूँ काम पे। अल्लाह हाफिज़।
A few moments later. तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कौन आया आज काम करने के लिए, शफीक पेंटर। बहुत पतला है भाई, कुछ तो गोची है इसमें। तो बड़े दिनों के बाद माशाल्लाह आया भाई कलर मारने के लिए। और कितना छोड़ पकड़ कर रहे यार, अच्छे से मारो। देखो अबे तो दीवाने उसको खींचूंगा ना, इधर सेलर करूंगा ना, तो मैं वो सिखा रहा। अबे जैसे पहले मैं काम करता था, समझा यहाँ पे। अब गर्मी में कैसे छत छोड़ गया। तो अभी भी आया है, दो दो चार चार दिन हुआ आके रहते हो काम पे। तीन साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब्बा कभी लगा था 2019 में लगा, झूठ बोलता है ये। अभी भी अब्बा गवाह है। अब्बा कब से काम कर रहा हो बताओ तुम? अरे झूठ बोल रहा है, बाद में छोड़ के भाग गया। आठ साल हो गया। आठ साल हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अब्बा ने सच्चाई उगल दी। आठ साल से अब्बा के पास नहीं पकड़ा। और मुसद्दिक भाई भी कलर मारे यार आज, इसी दिल बोला वाला छोटू भाई को कंपनी देते जाके। अरे छोड़ा नहीं हुआ, काम छोड़ पकड़ा है। काम किधर आता है, ये खाली टाइम पास कार्य करे, नहीं आता है, छोड़ पकड़ वाला कार्य करे आता है। ये बात खाली सोचता है कब मारो कब भागो। क्या मालूम होता है छोटू भाई का आराम तो नहीं करता। वो टाइम पर और नहीं है। मैं इतना अच्छा काम करने के बाद फिनिशिंग काम करता था। मैं भले चिलो करता हूँ, फिनिशिंग करता हूँ ताकि दोबारा घजा मजदूरी नहीं करने। फिर भी मेरी पगार 300 रुपए थी। अब्बा टेंशन क्या? अरे बाद में बढ़ाए तुमने, बढ़ाया ना बाद में, बढ़ाया ना पहले तो 300 रुपए। तो देखिए गाइस, तो अपने हाथ में हुनर बहुत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आगे आगे कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए यूट्यूब चैनल को, या लेकिन अपने ना कहीं भी काम करके आग बंद करके 500-600 रुपए कमा सकते हैं, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात में घमंड जरा भी नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं ना काम नहीं करता है, नहीं करता है, तो क्या बोलोगे? आई डोंट केयर। और यहाँ तक तो ऐसे तो आए नहीं है, है ना, पैदल चल के या बैठ के उठ के मेहनत करके आए, ठीक है? छोटू और एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लोग हमें पसंद करते हैं, ठीक है, जो लोग हमें पसंद करते हैं, चाहते हैं हमसे मिलना, बेशक मिले, आओ जाओ मिलो, ठीक है। और जो लोग हमें पसंद नहीं करते लेकिन जबरदस्ती मिलने आते हैं अपने चैनल प्रमोशन कराने के लिए, तो आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मत देखो तो बहुत अच्छा है, वही अच्छी बात है। क्योंकि आप लोग देखते भी हो और बाद में पीठ पीछे बुराई भी करते हो, उनका फैमिली ऐसा है, उनकी औरत ऐसी है, वो वैसा है, वो वैसा है, तो ठीक है हम लोग है जैसे है, ठीक है, पर आप लोग है कि नहीं? जो कुछ सही बोला कि नहीं? नहीं सही है। पीठ पीछे गाना गाएंगे कि वो लोग ऐसे है वो वैसे है, तो इससे अच्छा आप लोग मत आओ मिलने। जो पसंद करते हैं उनके लिए हमेशा वेलकम है। अरे वहाँ बातों ही बातों में भाई ने देखो 3-4 पट्टा घसीट लिए, एक नंबर। कितने मिनट मारा था फटाफट? 15 मिनट में। देखा ऐसे रहने का ऐसे भाई, सीढ़ी पे चढ़ के भी मारेंगे। नहीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ता, डर लगता है। एक बार चढ़ा था कम से कम ऊपर से गिर गया था, गिरा था भाई पूरा बदन पे कलर ही कलर। गिरने के बाद बोला था अरे मेरे अल्लाह। अब्बा बोले, अब्बा क्या बोला था इसने? अरे मेरे अल्लाह, ये बोलता हूँ मेरा डायलॉग है। मेरे साथ कुछ भी अगर हादसा होता ना तो सबसे पहले अल्लाह का नाम, मेरे अल्लाह आता है माशाल्लाह। और गिरा उसके बाद पूरा कलर मेरे बदन पे, फिर उठा तो पूरा कलर कलर कलर। फिर काम की छुट्टी? पीठ नहीं, छुट्टी नहीं, क्या काम किया, पर जो कलर गिरा था ना वही उठा दीवार में मारा था। आके देखे बोले पूरा माल गिरा दिया, बाद में गया दवा लिया, थोड़ा पीठ पीठ पे लग गया था मार, और कुछ नहीं। और बहुत बुरी जगह गिरा था मुसद्दिक मालूम, अगर थोड़ा सा बाजू भी गिरता ना, वो जो घर बनता है ना बीच में गैप छोड़ते चढ़ने उतरने के लिए, हाँ डर जो छोड़ते हैं, उसके बाजू में गिरा था मैं सीढ़ी के, अगर उसके अंदर जाता गप गप दीदा नीचे गैप में, वो भी वसीम भाई के साइड पे। वो कहाँ है क्या? नहीं कौन खोल पता नहीं, तुम्हें तो आ रहे ना ऊपर। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऊपर जो दीवार मार रहे थे ना, तो वहाँ का टेबल हाथ शुरू है। देखो इससे पहले ब्लू लगा था तो दो हाथ मारे, फिर भी ये कवर नहीं हो रहा है, तो ये तीसरा हाथ चालू है। बहुत 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 ही फास्ट बारिश चालू है, देखिए कैसे बिजली खड़ा करिए, देखो अल्लाह अकबर। तो फ्रेंड्स मेरे काम की छुट्टी हो गई है, मैं आ गया घर पे, बारिश बहुत हो रही थी तो बारिश में भीग भीग के हम लोग आए घर पे। अरे देखिए ये लोग अभी तक भीग रहे ले, ये लोग अभी तक भीग रहे बारिश में। अरे देखिए मेरी बेटी को, तो फ्रेंड्स बहुत ही बारिश हो रही है, तो सब लोग पार्टी लोग मेरे घर पे आए, तो बोला चलो अपन सब मिलके चाय पियेंगे, और आवाज वाली और तोस भी है।
देखिए बड़े अब्बा बात कर रहे हैं, कैसा हंस रही है। देखिए और उसने मैं अभी तक देखी नहीं, अगर देख लेगी तो रोना चालू कर देंगे। आप डेमो देख सकते हो। पातो पातो बेटी इधर देखो, इधर देखो पातो, इधर देख क्या हुआ मम्मा, क्यों रोती मेरे को देख के, इधर देख, इधर देख पातो क्या हुआ, देखेगी नहीं देखे। ये ना बहुत बड़ी एक्टर है, जैसी देख लेती ना मेरे को दूर से रोने लग जाती। क्या हुआ पातो, हेलो बच्चे को लुला ले तुम लोग, अब मेरे पास चुप जाएगा। चुप जल्दी, चुप चुप जल्दी, ये दादा के पास चुप हो गए। हम ये रोना स्टार्ट कर देती है। ये पातो, ए पातो को कहा चोराया, टिक 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 चप्पल उतारा, चली गया चली गया, बाकी 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 फिर भी रोएगी। चोराया टिक 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 चप्पल उतारा, चली गया चली गया चली गया, हंसेगी नहीं। फ्रेंड्स से देखिए फातिमा को पलटी हो गई है। फातिमा, अरे मेरा बच्चा कहाँ से कहाँ आ गए तुम, पलटी हो क्या? अल्लाह अल्लाह, इधर देखो इधर देखो बाबू, ए बाबुआ बाबू पलटी हो गए तुम। अरे लाओ वो लाओ, दे दो मुझे, दे दो, गंदा चीज है, गंदा है, गंदा है, ये नहीं लेने। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मेरी वाइब स्टार्ट करेंगे आज। चलो बोलो, हाँ बोलो ना कुछ, तुम्हारा ही तो है यार सब कुछ। और आज की वीडियो इतना मतलब खास नहीं हो पाई है, मतलब जो सुबह से शाम तक मैंने दिखाया ब्लॉगिंग, क्योंकि देखे काम नहीं होता, मुझे इधर उधर उधर जाना पड़ता है, तो कलर वाला हाथ रहता है और मोबाइल नया भी है मेरा, बार बार मोबाइल जेब में से निकालूंगा तो वो कलर लग जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इस वजह से मैं बराबर प्रॉपरली शॉर्ट नहीं दिखा पाता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, लाइन वाइज शॉर्ट नहीं दिखा पाता हूँ। बोलो ना फ्रेंड, लोग टेंशन नहीं लेना क्योंकि ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाती, काम पर रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता। आप लोग कोई टेंशन मत लेना, हम भी टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन मेरी वाइफ ज्यादा टेंशन ले रही है। क्यों अब तुम टेंशन नहीं ले रही है? वीडियो नहीं बनाऊंगा तो, और वीडियो क्यों नहीं बना रहे तुम, जल्दी बनाओ वीडियो, अच्छे से बनाना। बात करते रहो तुम इसको ले, छिछी करिए इसकी छिछी। कल आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने की मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी। और शफीक भाई ने जो बोले हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब फातिमा पकड़ दिए कैसा, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं सामने तो बहुत अच्छे अच्छे से बनते हैं और पेट पीछे बहुत बुराई करते हैं, तो इस वजह से शफीक भाई ने बोले हैं कि ऐसी की बात ऐसी है, तो आप लोग भी कोई मतलब वो मतलब रॉन्ग वे में मत समझना इस बात को, थोड़ा समझ के लेना ठीक है। और आप लोग तो जानते हैं कि मेरे चैनल पे ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं अपना चुपचाप ब्लॉगिंग करता हूँ, इसके उसके लेने में पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी भाई को मतलब कुछ बात बुरी लगी तो उन्होंने मेरे चैनल पे और अपने चैनल पे, वसीम भाई के भी चैनल पे बोलेंगे कि जो ऐसा करते हैं उन लोग ऐसा ना करें, और ये अच्छी बात भी नहीं है कि सामने कुछ और है पीठ पीछे कुछ और है। खैर अल्लाह मालिक है। और क्या हो, सीरियस बात कर रहे हो तो तुम भी तो बात करो सीरियस कुछ। मैं क्या बीच में बोलो, तुम्हारी कितनी तारीफ हो रही थी, माशाल्लाह बोले तुम्हारी वाइफ ने पास्ता कितना अच्छा बनाया है। थैंक यू फ्रेंड लोग, थैंक यू फ्रेंड लोग, बहुत थैंक यू। हाँ तो और बस ऐसी दुआ देते रहिए हमको कि मैं पास्ता अच्छा बनाऊँ, खाना बनाऊँ, खाना बनाना भी सीख जाऊँ इंशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे। बहुत डरते हैं यार वीडियो में आने से, मतलब कुछ भी मतलब ऐसा कुछ बना रहे या अपन किसी को कुछ शेयर कर देंगे तो ये बहुत डर जाते, एकदम डर जाती है कि पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ये नहीं सोचने का मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्या पसंद करेंगे नहीं करेंगे, चलो टेंशन नहीं लेने का। माशाल्लाह कुछ बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स, मतलब बहुत अच्छे लोग सब्सक्राइबर है मेरे, बहुत ही समझदार है माशाल्लाह,
क्या ऐसे कुछ उल्टे सीधे कमेंट नहीं करते हैं मुझे, और बहुत अच्छा भी लगता है ऐसे सब्सक्राइबर माशाल्लाह, मेरी वीडियो भी एक एक घंटे में दो दो घंटे में तीन तीन चार चार हज़ार व्यू जा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत मतलब इतना दिल खुश हो गया ना मेरा कि क्या बताऊँ। तो बस इतना सी बात बोलनी थी क्योंकि मेरी वीडियो बहुत छोटी बनेगी, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर देता हूँ। आप लोग ऐसे मेरी आदमी को वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब लोगों को बोलिए। और हम लोग कुछ बात बुरी लगी या कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बोल सकते हैं, ताकि हम वो बात अच्छी तरह से समझ सके और दोबारा मतलब कर सके। ठीक है, वीडियो इधर ही एंड करते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।